हिस्ट्री हो गया, रहस्यमय बातें हो गई, कुछ भी हो सकता है, हम देखने जाएंगे पशुपतिनाथ जी के बारे में। आप लोगों को पता होगा ना कि दो तीन वीडियो में मैंने गलती से मतलब ऐसा था कि पशुपतिनाथ, आई वॉज थिंकिंग कि विष्णु का अवतार या बुद्धा टेम्पल रिलेटेड होगा बिकॉज इट्स इन नेपाल। तो फिर बाद में मुझे किसी ने बोला नहीं ये महादेव रिलेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में कुछ जानकारी देख ली जाए, कुछ स्टोरी देख ली जाए कि ये पशुपतिनाथ एक्चुअली है क्या। तो और यू नो कि ये नॉलेज है जो सबको मिलनी चाहिए, सबको पता रहना चाहिए। तो मैं उनमें से एक हूँ जिसको नॉलेज का पता लग जाना चाहिए, और जिनको नहीं पता है दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बैठ के ये वीडियो देखिए। तो हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं फ्रॉम दी चैनल नेम एस्ट्रो तक, ठीक है। और इन्होंने अपना टाइटल दिया है पशुपतिनाथ मंदिर के हैरान कर देने वाले रहस्य। ओके, एक्चुअली मैंने सर्च किया था द हिस्ट्री ऑफ पशुपतिनाथ, अब रहस्य बोल रहे हैं, मतलब सेम चीज ही हो गई, हिस्ट्री हो जाएगी, वो एपिक चीजें हैं, मतलब एथनिक चीजें हैं, पुरानी कहानी है, और किस चीजों से रिलेटेड है पता चल जाएगा ना। जैसे सभी को पता है दोस्तों कि डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आता है वो आपके मोबाइल पे अपडेट हो जाए या आप जहां भी ऑनलाइन बैठे वहीं पे अपडेट हो जाए। Here we go with this video. केदारनाथ के वीडियो मतलब फोटोज दिखा रहे हैं अगोरीज पशुपति। ओके, कौन सा वीडियो लगा दिया मैंने, पशुपति मंदिर के केदारनाथ के टेंपल दिखा रहे हैं। ऐसा कोई कनेक्शन है क्या पशुपतिनाथ जी के साथ? ये कथा है शिव की, ये कथा है पुराण की। ये कथा है शिव की शक्ति और उनकी महिमा की। ये कथा है पशुपतिनाथ मंदिर की। नेपाल की धरती शिव के इस विराट स्वरूप पर धन्य है। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर वो मंदिर है जहां आज भी शिव का वास है। पशुपतिनाथ मंदिर की कथा का एक सिरा महाभारत काल से जुड़ा है। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब महाभारत का महायुद्ध चल रहा था। कौरव पांडव की सेना आमने सामने थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों के हाथ अपनों के रक्त से लाल हो रहे थे। धर्म और अधर्म के युद्ध में पांडव अपने सगे संबंधियों का रक्त बहा रहे थे। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। पांडव धर्म युद्ध तो जीत गए लेकिन शिव का मन हार गया। कहते हैं पांडवों ने अपने सगे संबंधियों का इतना रक्त बहाया कि भगवान शिव उनसे क्रोधित हो। कहते हैं शिव के क्रोध को शांत करने के लिए पांडवों के पास कोई उपाय नहीं था। ऐसे में कृष्ण ने पांडवों से भगवान शिव से माफी मांगने को कहा। अच्छा। पांडव भगवान शिव से माफी मांगने निकल पड़े। कहते हैं पांडव भगवान शिव को खोजते हुए पहले गुप्त काशी पहुंचे,
लेकिन भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर केदारनाथ चले आए। पांडव अपनी जिद पर अड़े थे और चाहते थे कि शिव उन्हें माफ कर दे, जिसके लिए पांडव शिव का पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। कथा है कि भगवान शिव पांडव के केदारनाथ आने से पहले ही बैल का रूप लेकर वहां खड़े बैलों के झुंड में शामिल हो गए, लेकिन पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। इसके भनक लगते ही भगवान शिव बैल के ही रूप में भूमि में समाने लगे। धरती में समाते शिव को रोकना जरूरी था। भीम आगे बढ़े और शिव को रोकने लगे। शिव के बैल रूप के पिछले हिस्से को तो भीम ने पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपति नाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहां शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाः। मंदिर का एंट्री यही है पशुपतिनाथ का। अरे मैं जब वो वीडियो देखा था उसमें अलग ही डिजाइन में है। हिंदुओं में पशुपतिनाथ मंदिर की विशेष मान्यता है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के बिना केदारनाथ मंदिर अधूरा है और केदारनाथ के बिना पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व पूरा नहीं होता। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा होने के चलते पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के तीर्थों में से एक है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के जो दर्शन करता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। अच्छा, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में 518 मंदिर और स्मारक है। मंदिर के पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल मुझे रामदेव बाबा ही लगे। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं मौजूद हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय के अलावा गुहमेश्वरी मंदिर मौजूद है। मुख्य मंदिर का पगोड़ा वास्तुकला की झलक साफ दिखती है। पशुपतिनाथ मंदिर कब बना इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। माना जाता है कि यह मंदिर काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के वर्तमान में मिले प्रमाणों का अस्तित्व 1700 साल पुराना है। आज जैसा पशुपतिनाथ मंदिर दिखता है उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। आस्था के तमाम तीर्थों में पशुपतिनाथ मंदिर एक तीर्थ है। शिव की आराधना यहाँ आए बगैर अधूरी है। 2015 में जब नेपाल भूकंप के झटकों से तहस नहस हो गया था उस वक्त भी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पशुपतिनाथ मंदिर की कथाओं का सार सदियों को मुट्ठी में समेटने जैसा है। पशुपतिनाथ के बारे में मैंने जान लिया ना, आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो? पशुपतिनाथ के बारे में मतलब भारत और नेपाल का कनेक्शन सही में बहुत अच्छा है। जैसे महाभारत रिलेटेड पांडवास जब चले गए वहाँ पे, वो शिव जी को इम्प्रेस करने के लिए ढूंढने लगे, शिव जी फ्रॉम केदारनाथ टू पशुपति नेपाल के तरफ तक हो गया, जिस मतलब धड़ वहाँ तक है। अलग ही थोड़ा मुझे मिस्ट्री बहुत कंफ्यूज कर रही है, बट स्टिल भगवान की लीला है भैया। एंड लाइक 17th सेंचुरी में तुक्का इसलिए मान लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है हिंदू कल्चर्स में, जितने भी पुराने टेम्पल्स या पुरानी स्टोरीज है वो हिंदू कल्चर के हिसाब से तो 17th सेंचुरी ही रहती है। और वैसे भी पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में अब तक मतलब कब वो मंदिर स्थापित हुआ है, कब बना है, वो अभी तक पता नहीं है एक्चुअल। और
वही बोलता है ना, जैसे हिंदू इज नॉट अ कास्ट और ये रिलीजन, वो कहाँ से, वो खुद ही अपना बन के आया है। पशुपतिनाथ के बारे में एटलीस्ट मुझे ये तो जानकारी मिली गई कि वो महादेव मंदिर है, महादेव जी की कहानी है उसमें रिलेट किया गया, रिलेट किया वो है ही महादेव की कहानी। वही पशुपति मतलब पशु के रिलेटेड नाम है ये, एक पहला तो चीज कि महादेव जी पशु के रूप में हुए थे, बैल बने थे और जमीन में समा रहे थे। एंड सेकेंड थिंग, पशुपति से अगर वहाँ पे जाते हैं आप, उनको मानते हो, पशुपतिनाथ मंदिर में जाके माथा टेकते हो, तो आपको पशु योनि से मुक्ति मिलती है, यानी कि जो हमारे में कहते हैं ना, बट जो हमारे जो चीज़ हम बनते हैं उसके बाद हम ला एकदम एंड में वापस ह्यूमन में जन्म लेते हैं बोलते हैं ना, तो वो चीज़ से हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। मतलब स्टोरी कितनी अलग अलग होगी, आपको क्या लगता, आपके हिसाब से क्या लगता स्टोरी क्या होगी, अब मुझे बताओ। मुझे जो इधर जानकारी मिली, मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है वो रियलिटी में नहीं होगा या कुछ चेंजेस होंगे, बट स्टिल इट्स नॉट बैड टू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम यू नो हिंदुनिज्म के से और दूसरे देश के हिंदुनिज्म के बारे में और मंदिर के बारे में। पशुपति देखो मुझे याद हो, इसलिए मैं बोलता हूँ पशुपति, पशुपतिनाथ का मैंने जो मूवी ट्रेलर देखा था, तो मूवी भी देख लिया था मैंने, क्या पशुपति, क्या पशुपति वो पिक्चर थी ना, क्या नाम था पशुपति पिक्चर का, उसमें देखा था। तो डेड बॉडी को पानी में मतलब वो करके मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्लेम में चीता जलाना काइंड ऐसी ना वो करते हैं कुछ, फिर उधर पे रा मतलब वही अंतिम संस्कार करते हैं, तो उस चीज़ का चीज़ दिखाया था। तो अब मुझे लग रहा है वो सही था, महादेव के इसी में किया जाता है। एनीवे ठीक है, मुझे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में पता चल गया है, तो कोई मुझे पूछेगा मैं एटलीस्ट कुछ जवाब तो दे ही सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, लेते हैं अलविदा, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत माल, और स्टे सेफ, स्टे कनेक्ट विद मी, कनेक्ट पीपल, तो कनेक्टिंग माई चैनल दोस्तों।